हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है कंट्रोलिंग टेक्निक्स। देखिए, क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 8 यानी कि मैनेजमेंट के फिफ्थ फंक्शन कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग टेक्निक्स का डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अब सवाल ये आया कि कंट्रोलिंग टेक्निक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो मैनेजर हो या सुपीरियर हो, जब मैनेजर अपने वर्कर से काम करवाता है या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से काम कराता है, तो जाहिर सी बात है वर्कर और सबॉर्डिनेट से कुछ गलतियां हो सकती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव उन्हें दिए गए थे उन्हें अचीव करने में कुछ डेविएशन रह सकता है। तो इन्हीं डेविएशन को पता लगा के अगली बार फ्यूचर में ये डेविएशन ना हो, या जिन गलतियों की वजह से रिजल्ट्स अचीव नहीं हो पाए थे वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, इसीलिए मैनेजर को कुछ मैनेजरियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग टेक्निक्स के टाइप्स की। तो देखिए, कंट्रोलिंग टेक्निक्स में दो तरह की टेक्निक्स क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के सिलेबस में बताई गई है। पहला टाइप है ट्रेडिशनल टेक्निक और दूसरा टाइप है मॉडर्न टेक्निक। इस वीडियो में हम पहले समझने वाले हैं कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या होती है। तो देखिए, ट्रेडिशनल टेक्निक्स का मतलब यह हुआ कि वो टेक्निक्स जो पुराने लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए फॉलो कर रहे थे, वो सारी टेक्निक ट्रेडिशनल टेक्निक्स कहलाती हैं। लेकिन इनका मतलब ये नहीं हुआ कि ये टेक्निक्स अब इस जमाने में काम नहीं करती हैं, बल्कि ये अभी भी उसी लेवल पे काम करती हैं। तो इन्हीं ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर हमारे सिलेबस में सबसे पहली टेक्निक बताई गई है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखिए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक है जो उसके नाम से क्लियर है। एक ऐसी टेक्निक जिसमें मैनेजर अपने वर्कर को या एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को पर्सनली काम करते हुए ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपके घर पे आपके मम्मी पापा बड़े भाई बहन आपको पढ़ते हुए देख रहा है, वो पर्सनली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो किस तरह से पढ़ा रहा है उसे ऑब्जर्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर स्कूल का राउंड लेती रहती है। ये ठीक उसी तरह से काम करता है कि वर्कर कोई काम कर रहा है उसके काम करने में कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए मैनेजर और सुपीरियर अपने वर्कर की गलतियों का पता लगाने के लिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन जैसी ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसका ये मतलब हुआ कि ये जब कोई वर्कर ऑन द वर्क में है यानी कि काम करते हुए उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि उसे एप्रिसिएशन मिल सके अच्छे काम को करने का, और अगर उसने कोई बुरा काम किया है, रिसोर्सेज वेस्ट किए हैं या फिर वो टाइम स्टडी को फॉलो ना करके टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसे रिकरेक्ट किया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बचा के एफिशिएंसी को डेवलप किया जा सके। इसीलिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन जैसी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। देखिए, जब पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये वर्कर के ऊपर एक प्रेशर की तरह लिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं चाहेगा कि उसे पर्सनली ऑब्जर्वेशन में रखा जाए ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक। ये ठीक वैसा ही है कि एग्ज़ाम के अंदर जब आप अपना एग्ज़ाम लिख रहे थे और आपका इन्विजिलेटर आपके पास ही आके खड़ा हो जाए और आपके लिखने वाले आंसर को वो कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू कर दे, तो एज ए स्टूडेंट आप थोड़ा हेजिटेट करेंगे अपने टीचर के सामने ऑन द स्पॉट आंसर लिखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है, आपको फियर हो रहा है कि कहीं आपकी मिस्टेक्स को ऑन द स्पॉट सबके सामने बता ना दिया जाए। इसलिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक लिमिट में तो कंट्रोलिंग की एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन एक लेवल के बाद यहां वर्कर के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात, तो देखिए ये तो हुई इसकी नेगेटिव बात, लेकिन इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह कि यहां पर किसी भी मैनेजर को या सुपीरियर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि वो फ्यूचर में किसी भी सबॉर्डिनेट का प्रमोशन करने का डिसीजन बड़े आसानी से ले सकता है। तो ये थी कंट्रोलिंग टेक्निक्स के अंदर ट्रेडिशनल मेथड की पहली टेक्निक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जहां पर वर्कर को पर्सनल वे से ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गेन कर ली जाती है ताकि फ्यूचर में उसका प्रमोशन किया जा सके। अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग टेक्निक्स में ट्रेडिशनल मैथड्स के दूसरे मैथड्स की, तो दूसरा मैथड होगा स्टैटिकल रिपोर्ट्स। देखिए, स्टैटिकल रिपोर्ट नाम से क्लियर है, एक ऐसी स्टैटिकल रिपोर्ट्स यानी कि एक ऐसी डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि किसी क्वांटिटी को ना बताते हुए उसे किसी ना किसी चार्ट की फॉर्म में आपको बताया जा रहा है,
उसे किसी पिक की फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, किसी रेशो की फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ताकि जो मैनेजर उन इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, पढ़ रहा है, वो उसे बड़े आसानी से समझ सके। और मैनेजर अपने वर्कर को या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को जब इन्फॉर्मेशन समझा रहा होगा, तो वर्कर्स और सबॉर्डिनेट को भी वो इन्फॉर्मेशन बड़े क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि डेटा की फॉर्म को जब हम चार्ट्स, पिक्चर्स, रेशो, रिलेशन की फॉर्म में समझाते हैं, तो रिपोर्ट्स बड़ी क्लियर समझ में आती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हो रही गलतियों को बड़े आसानी से दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर तीसरे नंबर की टेक्निक, जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। देखिए, बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक जो कि फिर से नाम से क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को या सबॉर्डिनेट को एक स्पेसिफिक बजट के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। बजट का मतलब हुआ कि किसी ना किसी क्वांटिटी के बेसिस पे, किसी ना क्वांटिटी वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे वर्कर को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया जाएगा। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे क्लास 11th में हमने कैशबुक नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। कैशबुक के अंदर जब हम कैशबुक बनाते हैं तो कैशियर होता है, और कैशियर के साथ छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए पैटी कैशियर होता है, जिसे छोटा सा कैश फंड अलॉट कर दिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे खर्चे वो मैनेज करता रहे। तो उन्हें उसी बजट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को या सबॉर्डिनेट्स को क्वांटिटी वाले स्टेटमेंट्स यानी कि क्वांटिटी वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उसे कंट्रोलिंग टेक्निक में बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। क्योंकि यहां जब हम बजट की बात करते हैं, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का बजट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज करने का बजट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का एक बजट हो सकता है। और बजट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जब मैं बजट की बात करता हूं, तो देखिए बजट को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय थोड़े मोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर इस बजट के थ्रू हमने ये काम कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रमोशन हो सकता है। इसलिए बजटरी कंट्रोल एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है इंप्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स में कंट्रोल करने के चौथे मेथड की, तो उसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे कि आप BEP के नाम से भी जानते हैं। देखिए जनरली ये ट्रेडिशनल टेक्निक उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है जहां ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, यानी कि जहां ऑर्गेनाइजेशन में तीन बड़ी चीजें, कॉस्ट या फिर किसी भी प्रोडक्शन का वॉल्यूम और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की बात की जा रही हो, वहां पर जनरली ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक को यूज किया जाता है। जनरली ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन आ जाती है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अब ना कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पीरियड में सर्वाइवल टाइम पीरियड में चल रही है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अभी प्रॉफिट में आई नहीं है। प्रॉफिट में आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने सेल्स वॉल्यूम को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो बजटरी कंट्रोल के बाद ब्रेक इवन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आपको क्वांटिटी बेसिस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, एक यूनिट फिक्स कर दी जाती है, इस यूनिट को ही अचीव करना होता है। तो कुल मिला के बात करूं तो हमारे सिलेबस में कंट्रोलिंग टेक्निक्स चार तरह की दी गई हैं। ट्रेडिशनल कैटेगरी में सबसे पहली टेक्निक है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जहां पर एम्प्लॉय को पर्सनली ऑब्जर्व किया जाता है, उसके अच्छे और बुरे काम के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स मिल सकते हैं। स्टैटिकल रिपोर्ट्स एक ऐसी कंट्रोलिंग ट्रेडिशनल टेक्निक है जहां पर चार्ट्स, पिक्चर्स, रेशो, रिलेशनशिप के फॉर्म में एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, और उस रिपोर्ट को समझना मैनेजर, वर्कर और सबॉर्डिनेट के लिए काफी आसान हो जाता है। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जहां पर एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का बजट बनाया जाता है, परचेस का बजट बनाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बनाया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय इस बजट के अंदर ही काम करना पसंद करता है तो वह एक अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है, लेकिन अगर उसने बजट के बियॉन्ड जाना शुरू कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम मानी जाएगी। बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो यह एक ऐसा एनालिसिस पॉइंट है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम फिक्स कर लेती है, जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां कंपनी का कॉस्ट और प्रॉफिट लगभग बराबर हो जाता है। इस तरह की टेक्निक जनरली सर्वाइवल टाइम पीरियड के लिए तो ठीक है, लेकिन जब सर्वाइवल से प्रॉफिट का टाइम पीरियड आता है तो जाहिर सी बात है कंपनी ज्यादा सेल्स वॉल्यूम को अचीव करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंट्रोलिंग टेक्निक में ट्रेडिशनल मेथड समझ में आएंगे। वीडियो समझ में आया है लाइक करिए,
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।